दोस्तों बिग बॉस ओटीटी की बात करें तो बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर यहाँ पर जिया शंकर जाद हदीद के जाने से पहले उनसे बात करती हुई नजर आ रही है। दरअसल जिया को लगता है इस हफ्ते वो या फिर जाद में से कोई एक बेघर हो सकता है। अब इससे पहले वो घर से बेघर हो तो वो अपनी सिचुएशन क्लियर कर रही है यहाँ जाद हदीद से। दरअसल नॉमिनेशन के बाद से ही दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। हालांकि जिया शंकर तो बार बार बात करने की कोशिश करती हुई नजर आई, लेकिन जाद हदीद ने उनके बारे में कहाँ क्या चुगली नहीं की, उनको काफ़ी कुछ बुरा भला भी कहा। लेकिन अब आखिरकार जिया शंकर और जाद हदीद दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जाद तो कुछ कह नहीं रहे, बस हाँ में हाँ मिला रहे हैं और जिया से ये बात सुन रहे हैं कि जिया जो कि घर के अंदर है उनके दिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि जाद के खिलाफ हो। घर में जो कुछ भी हुआ वो सारी गंदी मेमोरी यहीं छोड़कर जाएंगी और सिर्फ गुड मेमोरीज लेकर जाएंगी। और अगर उनकी किसी बात से उनको हर्ट हुआ हो तो वो साफ तौर पर उन्हें ये बात कह रही हैं कि उसके लिए वे सॉरी भी फील करती हैं, लेकिन उनकी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने की और ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि वो उन्हें हर्ट कर रहे। इसके अलावा घर से बाहर जब वो जाएंगे तो वो देख लेंगे और उन्हें समझ भी आ जाएगी। बहरहाल कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर। बिग बॉस के और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।